जयकारा वीर बजरंगे, जय हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज वो दिन आ चुका है जिसका हमें था बेसब्री से इंतज़ार। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली पशुपतिनाथ मंदिर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ले चलते हैं आपको सीधा पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ, पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन के मालिक या जीवनदाता। विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। पशुपतिनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। भक्तजनों की लंबी लंबी कतारें लगना यहाँ एक बहुत आम बात है। ज्यादातर समय आपको यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी। मंदिर के लिए प्रसाद खरीदने के बाद लोग सीधा लाइन में लगना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग सांसारिक मोहमाया त्याग कर यहाँ आपको भगवान का नाम जपते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विहग्र में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। कहते हैं कि ये 5ों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं, और दक्षिण वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस जगह में और सब हमारे मखपा लोग, हमारे बेटी लोग, हमारे भाई लोग सब यहाँ मिले। काठमांडू में आए तीर्थ जैसा घूमने के लिए, पशुपतिनाथ में घूमने के लिए आए। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित है। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण
तांबे से किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर का शिखर स्वर्ण कलश का है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्यघाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। मंदिर में मौजूद प्रतिमाओं में बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद है। मंदिर के बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय, गृचेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के चार दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। आर्यघाट से होते हुए जब आप ऊपर की तरफ सीढ़ियों में बढ़ते हैं तो आपको एक ये जगह दिखाई देती है। यहाँ की मान्यता है कि आंखें बंद करके सामने की तरफ से हाथ जोड़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो दीवार के इस छेद पे अगर आपका हाथ जाएगा तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अक्सर लोग यहाँ इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी सारी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह कई प्रकार की समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में आकर व 518 मंदिरों व स्मारकों के दर्शन करने के बाद
जो मन को सुकून मिलता है उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। शरीर और आत्मा में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है कि आप खुद ब खुद नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु की लीला में। तो आप भी दर्शन कीजिए सच्चे मन से पशुपतिनाथ महादेव के। महादेव सदैव आपके साथ है। गैर हिंदू आगंतुकों को मंदिर के अंदर जाने पे मनाही है। वे इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से दर्शन कर सकते हैं।
माथि जानु अलि माथि 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 के भुतला र नि के हुन रहेछ के दिउँसै नि त थोरै कस्तो सुतेको के आशीर्वाद दिनु लगु हनुमान जी हनुमान जी खुछ हम सब ने कर लिया है दर्शन पशुपतिनाथ महादेव के। तो अभी अभी श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन हमने कर लिया है, तो मन को एक अलग ही शांति एक सुकून यहाँ मिला है। हर हर महादेव।